सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाइफा स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का सेशन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रेखित समीकरण, जो कि होगा मेरा आज का लास्ट टॉपिक। आज का मेरा लास्ट टॉपिक यानी रेखिक समीकरण की ये मेरी लास्ट वीडियो है, लास्ट क्लास है। इसके बाद मैं आपको अगले चैप्टर पे ले चलूँगा। तो इससे पहले कि दो क्लासें इसके ऊपर बन चुकी हैं, अगर आपने अभी तक उन दो क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ की नाम की। तब आप जाएंगे तो वहाँ पर मैथ की आपको जितनी भी सेकेंड सेमेस्टर की वीडियो है, समथिंग में 53 या 54 वीडियो हैं जो भी हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया समीकरण क्या होता, सर्वसमिका क्या होता है, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और कल मैंने कुछ आपको 4 या 5 भाषा वाले क्वेश्चन भी कराए थे, है ना। तो आज भाषा वाले क्वेश्चन में दूसरा टाइप हमारा क्या है, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम करिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है, ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके भावना समझ के हमको लगाना है। क्वेश्चन कह रहा, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताओ। दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताओ। अब देखिए क्वेश्चन को आप टुकड़ों में कर लीजिए, क्वेश्चन को आप टुकड़ों में कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे थोड़ा सा स्लो मोशन में, मैं चीज़ों को बहुत आसानी से भाई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल इतना समझ लीजिए, इतने जीरो से आपको बताऊंगा कि आप पूरा कंसंट्रेट अगर अपनी स्टडी पर करोगे तब लाइफ में कभी ऐसे क्वेश्चन भूल नहीं सकते हो, ठीक है ना। बस फुल कंसंट्रेट ऑन स्टडी, ओके, केवल आप स्टडी पर ही कंसंट्रेट करिए, बाकी जो कुछ भी तुम्हारे बारे में अगर अपोजिट सोच रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, आप केवल अपना स्टडी करिए बस। देखिए मैं अगर यहाँ से क्वेश्चन करूँ, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, अगर मैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक मैं आपको एक प्रश्न करूँ कि ये पहला प्रश्न है आपका कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर एक, आप इसको समझ लीजिए, मैंने कहा टुकड़ों में कर लीजिए। दूसरा है दोनों का अंतर 5 है, दोनों का अंतर 5, ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब देखिए संख्याएं तो पता नहीं भाई, तो संख्या मान लेते हैं, क्वेश्चन को समझना, सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक संख्या छोटी है एक बड़ी है, मान लीजिए कोई भी संख्या, तो मैंने माना मेरी छोटी संख्या x हो गई भाई, माना स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि छोटी संख्या क्या हो गई, x हो गई भाई, x मान लिया। अब बड़ी संख्या को कुछ भी मान लो, बड़ी संख्या मैंने y मान लिया, क्या मान लिया, बड़ी संख्या मैंने y मान लिया, ये हो गया मेरी बड़ी संख्या y। अब देखिए अब पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, कहा गया दोनों संख्याओं का योग, अब आप प्रश्नानुसार अगर आप लगा दोगे, सर मैं आपको बहुत बेसिक से ले चल रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत शानदार, आप मन से पढ़ना बस, अगर मैं प्रश्नानुसार आपको ले चलूँ तो कहा गया दोनों संख्याओं का योग मतलब जोड़, तब दोनों संख्याओं का मैं क्या कर दूंगा, योग कर दूंगा, एक्स प्लस वाई। कहा गया दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से, अब यहाँ पर देखो छोटी संख्या क्या है, 3 है, छोटी संख्या के 3 गुने से, 3 गुना कर दिया ना, कितना अधिक है, 3 अधिक है, तब मैंने इसको 3 अधिक कर लिया। क्वेश्चन देखिए कैसे कहा गया, वैसे करते जा रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, चीज़ें क्लियर। अब इसको आप समीकरण बना लीजिए, ये भाई प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा, तब यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस का y और ये माइनस का आ गया इधर, हो गया 3x बराबर का, इस तरफ कितना बचा, 3 बचा। अब अगर x से 1x चला जाएगा तो 2x माइनस का बच जाएगा, तो बच गया y माइनस का 2x बराबर का 3, ये समीकरण आपका एक बन गया, ये समीकरण एक बन गया। अब देखिए ये पहली शर्तानुसार मैंने लगाया है, पहले प्रश्न के अनुसार लगाया है, अब आप एक बार और इसको प्रश्नानुसार से लगा दीजिए। अब भाई क्योंकि दो बार क्वेश्चन कहा गया है, तब आप इसको एक बार और प्रश्नानुसार लगाओगे, मैंने एक बार फिर से प्रश्नानुसार लगा दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है,
पाँच है। तो अंतर का मतलब घटाओ, अगर मैं एक संख्या माइनस में कर दूं, एक संख्या प्लस में कर दूं, तो ये कितने के बराबर आएगी? पाँच के बराबर आएगी। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर दो। नहीं समझे? अगर कोई एक संख्या प्लस में और कोई एक संख्या माइनस में होती है, तब उसको सदैव क्या होता, वहाँ पर घटाव होता। ये चीज़ मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास में बताई थी। एक माइनस में एक प्लस में, और ये अंतर ही तो होगा, पाँच के बराबर है। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ता है, एक चर का विलोप करना पड़ता है, एक चर को हटाना पड़ता है, एक का मान ज्ञात करना पड़ता है। तब हम समीकरण दो को समीकरण एक से तुलना करते हैं, घटाते हैं। तो हम समीकरण एक से समीकरण दो को घटाएंगे। अब यहाँ पर अगला स्टेप इधर होगा, मैं लिखूंगा समीकरण एक को, समीकरण एक को दो से घटाने पर। और याद रखना सर, घटाने पर क्या होता है, घटाने पर जो मेरा दूसरा समीकरण होता है, नीचे जो होता है, जो दूसरा समीकरण होगा, जो नीचे होगा, उसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे। और ये कंडीशन केवल घटाने में होती है, जोड़ने में आप इसके चिन्ह नहीं बदलोगे। पहला समीकरण लिख लीजिए, वाई माइनस टू एक्स बराबर तीन। पहला समीकरण है वाई माइनस का टू एक्स बराबर का तीन। दूसरा समीकरण है माइनस एक्स प्लस का वाई बराबर पाँच। माइनस एक्स, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई माइनस का एक्स बराबर का पाँच। ये बन गया मेरा समीकरण। अब देखो, यहाँ पर आप कहोगे सर कि एक्स माइनस एक्स प्लस वाई था बराबर पाँच, तो मैंने क्या किया, केवल मैंने चरों के नीचे चर लिख लिए हैं, बाकी माइनस में एक्स वहाँ था तो माइनस में एक्स यहाँ भी है, वाई प्लस में था तो वाई प्लस यहाँ भी है, ठीक है ना। अब घटाएंगे, अब देखिए जैसा कि घटाएं, क्योंकि हमको एक पद गायब करना है, तब हमको चिन्ह नीचे वाले के बदल जाएंगे। ये प्लस में तो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, और ये प्लस में तो ये माइनस में। चीज़ें क्लियर हैं? अब देखिए, एक प्लस एक माइनस घट जाएंगे यानी कट जाएंगे, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स, प्लस माइनस घट जाएंगे, अगर दो एक्स से एक एक्स चला जाएगा तो माइनस का एक्स बच जाएगा बराबर। यहाँ माइनस का पाँच है, यहाँ प्लस का तीन है, अगर पाँच से तीन जाएगा तब माइनस का दो बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ गया, दो आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया, दो आ गया। अभी जो एक्स का मान है, आप किसी भी समीकरण में रखकर वाई का मान प्राप्त कर लीजिए। एक्स का मान किसी भी समीकरण, चाहे इसमें रख लीजिए, चाहे इसमें, चाहे समीकरण एक में रख लीजिए, चाहे समीकरण दो में रख लीजिए, उसका मान वाई का प्राप्त कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना भाई, पूरा मैं बेसिक से ले चल रहा हूँ, ठीक है ना। समीकरण एक क्या था मेरा, देखिए यहाँ पर क्या था, समीकरण एक था वाई माइनस टू एक्स बराबर थ्री। समीकरण एक था मेरा वाई माइनस का टू एक्स बराबर का थ्री। एक चर एक अचर के बीच में गुणे का चिन्ह, तो y माइनस का दो गुणे दो बराबर का तीन, दो दुनी कितना हो गया, चार हो गया। y माइनस का चार बराबर का तीन, ये माइनस में उस तरफ जाएगा, प्लस में जुड़ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर सात आ जाएगा, y बराबर सात आ जाएगा। तो x का मान पता चल गया और y का मान पता चल गया, यही आंसर। मेरी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, दो, क्योंकि x माना था तो x का मान दो आया, छोटी संख्या दो, और y माना था सात तो बड़ी संख्या आ गई मेरी सात। ये हो गया मेरा आंसर। हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया हो। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल लेवल से, छोटी लेवल से मैं आपको पढ़ाते हुए ले चल रहा हूँ भाई। संख्याएँ पता नहीं थी, पहला काम करना है आपको सवाल को, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको टुकड़ों में बांटना है। मेरा पहला क्वेश्चन था दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के तीन गुने से तीन अधिक है। छोटी संख्या मान लिया x, बड़ी संख्या मान लिया y। अब पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग, मैंने दोनों का योग कर लिया, छोटी संख्या x थी, x के तीन गुने से तीन अधिक है, मैंने यहाँ से पहला समीकरण बनाया तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन, दोनों का अंतर पाँच है तो माइनस एक्स प्लस फाइव बराबर पाँच। समीकरण एक से समीकरण दो को घटा लिया, घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह हमेशा बदल जाएंगे। एक्स बराबर दो आ गया, इस दो एक्स का मान समीकरण एक में रख लिया, वाई बराबर सात प्राप्त हो गया, जो कि हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, एक बार मन से और लगाना, आपको समझ में जरूर आ जाएगा।
फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, बिल्कुल अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, बस आसानी के साथ समझते हुए चले जाइए बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ भी नहीं भाई, बस ये सब चीज़ें आप सीखे हुए हो तो दिक्कत मत लेना, बस धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सा चैट को ऑफ रखिए और फुल कंसंट्रेट हो जाइए अपनी स्टडी के ऊपर, क्योंकि चैट करने के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा, आप बहुत टाइम चैट कर सकते हो, लेकिन स्टडी करने के लिए आपके पास केवल गिने चुने दिन ही बचे हैं। पेपर की डेट भी आपको पता है कि अक्टूबर में पेपर ज़रूर से ज़रूर हो जाएंगे, तो क्यों ना आप अक्टूबर तक अपने आप को कंसंट्रेट नहीं रख सकते हो भाई एक चीज़ पर। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा दो अंकों की एक संख्या का, दो अंकों की एक संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। कितना अधिक है? एक अधिक है, ठीक है ना। क्वेश्चन को पहले समझना, उसके बाद लगाने का प्रयास करना, और भाग कर कहीं भी मत जाना। एक अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ से पांच गुने से, यदि संख्या अंकों के जोड़ के पांच गुने से कितना अधिक है सर? पांच गुने से तीन अधिक है, तब संख्या बताओ। पांच गुने से तीन अधिक है, हमको संख्या पूछा है, अब लगाने का प्रयास कीजिए। तीन अधिक है तब संख्या बताओ, तो संख्या बताओ। प्रयास कीजिए भाई मेरे, प्रयास कीजिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। सेम इक्वेशन, क्वेश्चन को सबसे पहले टुकड़ों में बांट लीजिए, फिर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हुए चले जाइए, ठीक है ना। अब प्रयास कर दीजिए लगाने का प्रयास करिए, समझ में जरूर आ जाएगा, वेरी गुड। चलिए बहुत शानदार भाई, सभी साथी लगाने का प्रयास करें। वेरी गुड। चलिए भाई बहुत शानदार, चलिए देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, ठीक है ना। क्वेश्चन को अब पढ़ना कैसा वो चीज समझो। दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, बात समझिए। अगर मैं कहूं दो अंकों की आपकी एक संख्या अगर 28 है, तब आपको पता है 8 मेरी इकाई हो जाएगी, 2 मेरी दहाई हो जाएगी, है ना। ये इकाई हो जाएगी, ये दहाई हो जाएगी, वैसे क्वेश्चन। अब आपको इकाई और दहाई का अंक तो पता नहीं है, अंक तो नहीं पता है ना। अब आप अंक मान लीजिए कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, मान लेना, यानी माना इकाई अंक 100 हो जाएगा भाई, माना इकाई अंक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैंने मान लिया इकाई अंक 100, और फिर दहाई अंक को मैंने वाई मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप क्या लाइक करते हो, कौन सा इंग्लिश का लेटर लाइक करते हो। दहाई अंक मैंने वाई मान लिया, है ना, बिल्कुल वाई मान लिया। अब प्रथम शर्तानुसार, अब प्रथम यानी कि पहली शर्त के अनुसार लगा दीजिए, प्रथम शर्तानुसार आप लगा दोगे तब क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन पहला यही तो बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन बना। अच्छा यहाँ जरा बताइए, मैंने अंक्या संख्या तो मान लिया, मैंने अंक तो मान लिया है, मैं आपसे पूछूं संख्या क्या हो जाएगा, तो दहाई का मतलब क्या होता है? 10। अगर भाई मैं यहाँ से कहूँ 28, जैसे मैंने कहा दहाई कितनी है, तब आप कहोगे सर 2 दहाई है, मतलब ये 28 लिखा कि नहीं लिखा। कहने का मतलब 10 के क्रम में हमारी दहाई होती है,
तब हमारी संख्या क्या बन जाएगी? आप यहीं से संख्या भी बना लीजिए। आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर क्या बन जाएगी, 10y प्लस का x, ये संख्या बन जाएगी। समझे? क्योंकि भैया दहाई का मतलब 10, तो 10y और प्लस इकाई का मतलब x, दोनों की संख्या क्या बन गई, इतनी बन गई। अब प्रथम सूत्र कह रहा दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से कितना अधिक है, एक अधिक है। अगर एक बात समझिए, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, एक्स माना कि नहीं माना, इकाई का अंक एक्स माना, और दहाई के अंक से कितना अधिक है, एक अधिक है। इकाई का अंक एक्स था और दहाई के अंक से एक अधिक कर दिया, समीकरण बना लीजिए, वाई प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो एक्स माइनस वाई बराबर उस तरफ एक बचा, समीकरण एक बन गया, समीकरण एक बन गया। पहला शर्त कंप्लीट हो गई, पहली शर्त कंप्लीट हो गई। अब दूसरी शर्त कहा गया, यदि संख्या के अंकों के जोड़, यदि जो संख्या है वह अंकों के जोड़ से, अब देखिए यहाँ पर मैं लिख लूँगा दूसरी शर्त अनुसार। क्वेश्चन भाई बहुत बेसिक से मैं आपको ले चल रहा हूँ, टेंशन मत लेना, बस आप कंसंट्रेट रहिए, ठीक है ना। दूसरी शर्त अनुसार मेरा क्या कह रहा है कि यदि अंकों के जोड़, अंक क्या थे हमारे एक्स और वाई, तो यदि अंकों के जोड़ मैंने कह लिया x प्लस वाई, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूं आपको दिखाई पड़े, यदि अंकों के जोड़ के पाँच गुने से, पाँच गुना, तब मैंने कर दिया इनका पाँच गुना से कितना अधिक है, तीन अधिक है, तीन अधिक है। ये बताइए, क्वेश्चन कहा गया संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग के पाँच गुने से तीन अधिक है, से संख्या तो होगी, ये संख्या तो होगी, और संख्या है क्या, 10y प्लस का x, 10y प्लस का x। ऐसे क्वेश्चन ये मत समझना पेपर में नहीं है, और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आप केवल समझकर चलिए बस। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, पाँच का गुणा x से करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x, पाँच का गुणा y से करोगे तब 5y प्लस का 3, और इस तरफ क्या था, 10y प्लस का x, 10y प्लस का x। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, अगर ये x प्लस में इस तरफ लाओगे माइनस में, और ये प्लस y इस तरफ लाओगे माइनस में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10y प्लस का क्या है x, तो प्लस का हो जाएगा मेरा x, मैं यहाँ ऊपर लाइन ड्रा कर दूँ, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, 10y प्लस का x। अब देखिए ये 5x प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, तब माइनस का हो गया 5x, अब प्लस का 5y था, इधर आएगा माइनस का 5y, माइनस का 5y बराबर। अब ये सब तो इधर आ गया, इधर क्या बचा, केवल 3 बच गया। अब घटा लीजिए इसको भैया, अगर एक एक्स पाँच एक्स से एक एक्स चला जाएंगे तो माइनस के 4x बच जाएगा, माइनस का 4x बच जाएगा। अगर 10y से 5y चला जाएगा तो 5y बच जाएगा, 5y माइनस 4x बराबर कितना है, 3। ये बन गया समीकरण नंबर 2, क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से तुलना कर लीजिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से तुलना कर लीजिए। आप समझिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से करोगे तब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 था आपका x माइनस वाई बराबर 1, एक्स माइनस का वाई बराबर का 1, और समीकरण 2 क्या है आपका 5y, या आप इसको ऐसे कह सकते हो माइनस का 4x प्लस का 5y बराबर का 3। अब देखिए आप जोड़ो या घटाओ, ये तो कटिंग है नहीं, हमको एक पद काटना है। तब जब ऐसी सिचुएशन होगी, बात को गौर से समझना, बहुत बेसिक से ले चल रहा हूँ, जब ऐसी सिचुएशन होगी कि चाहे घटाएं या जोड़े कोई पद नहीं कट रहा होगा, तब 4 और 5 का अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर ऊपर वाले में 4 से गुणा कर दो तब भैया एक पद तो कट जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा तब कट जाएगा, नहीं तब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, देखिए जो भाग गया भैया वो समझ नहीं पाएगा, समीकरण 1 में 4 से गुणा करोगे, और याद रखना जब गुणा करोगे तो पूरे समीकरण में होगा, पूरे समीकरण में होगा। अगर 4 का गुणा x से कर लोगे तो 4x हो जाएगा,
चार का गुणा वाई से कर लोगे तो चार वाई हो जाएगा, और चार का गुणा एक से करोगे तो चार एकम चार हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, अब इसको घटा लीजिए, तब ये मेरा माइनस में हो जाएगा प्लस में, नहीं जोड़ लेंगे, घटाएंगे नहीं केवल जोड़ लेंगे। यहाँ पर यहाँ तो कट रहा है ना, तुलना करेंगे तो माइनस प्लस कट गया, यहाँ पर मैंने घटाया नहीं, यहाँ पर ऐसे कट रहे थे, और ये माइनस का फोर वाई और प्लस का वाई, यहाँ पर कितना बचा वाई बचा, अगर पाँच वाई से चार वाई चले गए तो वाई बचा, और यहाँ कितना बचा चार तीन सात हो गया, वाई बराबर कितना आ गया सात आ गया, वाई बराबर कितना आ गया सात आ गया। इतना चीज़ें समझ रहे हो ना भाई, समझ कर चलना है चीज़ों को, समझ कर चलना। अब मैं ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन ना साफ किए दे रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन भैया लंबे होते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए ही हैं, मैं आपके बुक से ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, कहीं और के क्वेश्चन में बता नहीं रहा हूँ। y बराबर सात, इसका मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए जो आपको आसान लगे, इसका मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए जो आपको आसान लगे, तब किस में रख लो, अगर मैं समीकरण नंबर दो में रख लूँ, समीकरण दो में, समीकरण दो में रख लूँ, समीकरण दो मेरा था क्या, समीकरण दो था मेरा माइनस का फोर गुणे एक्स का गुणे माइनस का फोर एक्स प्लस का पाँच गुणे का सेवन बराबर का तीन, दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर है माइनस का फोर एक्स प्लस पाँच गुणे सात, वाई था तो वाई के स्थान पर सात बराबर तीन, इसको सॉल्व करोगे तो सत्तो पच्चीस पैंतीस प्लस में उस तरफ चला जाएगा माइनस में, तो माइनस का फोर बराबर माइनस का फोर एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई तीन माइनस का सत्तो पच्चीस पैंतीस, तीन माइनस का पैंतीस, अब पैंतीस में से तीन घटाओगे माइनस के बत्तीस, तो इस तरफ बच गया भैया माइनस के बत्तीस, और यहाँ पर कितना बच गया माइनस का फोर एक्स, माइनस का फोर एक्स गुणे में उस तरफ जाएगा बट्टे में, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के बत्तीस बट्टे माइनस का चार, माइनस से माइनस कैंसिल चार एकम चार चरवटी बत्तीस, एक्स बराबर आठ, एक्स बराबर आठ, ये हो गई एक्स बराबर आठ, वाई बराबर आ गया था सात, एक्स बराबर आठ वाई बराबर आ गया था सात। संख्या हमको बतानी थी, क्या बताना था ऊपर देखो, संख्या बतानी थी, अब एक्स का मान पता है वाई का मान पता है, तब संख्या को बहुत आसानी से बता सकते हैं, केवल यहाँ पर मान रख लीजिए बस, केवल यहाँ पर मान रख लीजिए बस, संख्या में दस और वाई के बीच में गुणे का चिन्ह है, वाई बराबर सात आया है, तब दस गुणे हो जाएगा मेरा सात प्लस एक्स के स्थान पर कितना रख लोगे आठ रख लोगे, तब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा दस सते सत्तर, सत्तर आठ अठहत्तर, संख्या कितनी आ जाएगी अठहत्तर आ जाएगी, सेवेंटी एट इट विल बी राइट आंसर, सेवेंटी एट इट विल बी राइट आंसर। इसको एक बार अभी और समझाए दे रहे हैं, टेंशन मत लेना, इसको एक बार अभी और समझाए दे रहे हैं, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है भैया, ये क्वेश्चन ये भैया 2016 में पूछा गया है, ये 2016 में पूछा गया है, तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं। आज भले ही आपको देखिए पूरे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, पूरे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर पांच क्वेश्चन बताऊँगा आप तीन क्वेश्चन समझ गए दो समझ भी नहीं पाए तब भी आप क्वेश्चनों को कर लोगे, मैं बता रहा हूँ, आप लैंग्वेज समझिए भाई मेरे, लैंग्वेज कुछ नहीं क्वेश्चन में, लैंग्वेज। जिन्होंने इससे पहले मैं इस पर दो वीडियो बना चुका हूँ, इससे पहले मैं इस पर दो वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार क्यों कहता हूँ कि आप क्लासे अटेंड करते रहिए, अगर आप डेली क्लासे अटेंड करते रहोगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगी, क्योंकि मैं आपको इतनी आसानी से बताता हूँ, इतनी सरलता से बताता हूँ, भले ही आप मुझे कुछ भी कह लो कि सर बहुत स्लो में चल रहे हो, लेकिन मैं हर एक बंदे को अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ, जो बिल्कुल जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो भी चीज़ों को समझते रहेंगे उनका काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट किए जा रहा हूँ समझ लेना, क्वेश्चन कहा गया दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, संख्या के अंक तो पता नहीं थे, इकाई का अंक एक्स माना, दहाई का अंक वाई माना, और दहाई का मतलब दस होता है तो संख्या बन गई टेन वाई प्लस का एक्स। अब पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त कह रही है इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, तो इकाई का अंक एक्स था, दहाई के अंक से एक अधिक कर दिया, वाई को इस तरफ ले आया तो एक्स माइनस वाई बराबर एक हो गया, समीकरण नंबर एक। अब द्वितीय शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा, यदि अंकों के जोड़ के पाँच गुने से,
अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, तो ये संख्या तो हुई। इसको सॉल्व कर लिया, 5x 5y इधर ले आए, घटा लिया तो 10y प्लस एक्स कितना बचा, 5y माइनस 4x बराबर 3। अब हमको समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा लेना है। मैंने देखा कि बिना मेरा तो बिना घटाए हुए ये काम हो रहा, अगर मैं ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ तब तो ये घट जाएगा। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कराया तो सब में करा दिया, भाई 4x हो गया माइनस 4y बराबर 4 हो गया, ये कट गया, 4 से 5 चला गया तो कितना बच गया, 1y बच गया और 4 3 7 हो गया, y बराबर 7 आ गया। अब y का मान चाहे इसमें रखते चाहे इसमें रखते आंसर आपका सेम ही आने वाला था। मैंने y का मान समीकरण 2 में रख दिया तो समीकरण 2 था क्या मेरा, माइनस का 4x प्लस का 5 गुणे का 7 बराबर 3। गुणे का 7 क्यों हो गया, क्योंकि y था ना 5y तो गुणे का 7, 7 25 35 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 4x बराबर माइनस का कितना बच गया 32, x बराबर माइनस का 32 बटे का माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल 4 8 32 x बराबर 8 आ गया। संख्या बताना था, x का मान पता y का मान पता, y के स्थान पर रख दिया 7, x के अनुस्थान पर 8, 10 7 70 8 78 78 इट विल राइट आंसर। चीज़ें क्लियर है ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद से प्रयास करोगे, अगला क्वेश्चन आप खुद से प्रयास करोगे। वेरी गुड, चलिए बहुत शानदार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, सभी साथियों ने नोट कर लिया ना, सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, चलिए बहुत शानदार। देखिए बहुत भैया आपको बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहे जितना सर्च कर लो, आपको ऐसे कोई अगर मैथ आपको समझाने वाला मिल जाएगा तब एक बार हमसे बता देना सर, कि वहाँ पर हमको मैथ इससे अच्छी भी पढ़ाई जाती है। मैं आपको, मैं ये नहीं समझता है कि वीडियो 1 घंटे की बनेगी, 2 घंटे की बनेगी, आधे घंटे की बनेगी, ये हमारा कुछ भी नहीं मायने रखता है। हमें मायने रखता है कि आपको समझ में आना चाहिए बस, चाहे आप वो चीज़ों को 5 मिनट में समझ लीजिए, चाहे आप उन चीज़ों को 20 मिनट में समझ लीजिए, चाहे आप उन चीज़ों को 1 घंटे में समझ लीजिए, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, आपको केवल समझ में आना चाहिए बस। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना, और ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन कहा गया, 2 अंकों से बनी एक संख्या का, 2 अंकों से बनी एक संख्या का कोई 2 अंकों से बनी एक संख्या है, उसमें कहा गया दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। क्या है, 5 कम है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 5 कम, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, किसके अंकों के, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, क्वेश्चन को मन से पढ़ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्थान बदल दिए जाएं तो, बस भाई थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, ठीक है ना, बस क्वेश्चन होने ही वाला है। तो नई संख्या पहली संख्या के बदल दिए जाएं तो नई संख्या, जो नई संख्या बनेगी वो पहली संख्या के, पहली संख्या के क्या कह रहा है, पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है, पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है। आपसे क्या पूछा गया है, नई संख्या बताओ, आपसे पूछा गया वह संख्या बताओ। चलिए अब लग जाइए भाई, अब लगाने का प्रयास कीजिए, वह संख्या बताओ। चीज़ों को बस क्वेश्चन को टुकड़ों में बांट लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, मैं मानता हूँ टाइम लगेगा, बस आप समझ जाइए, क्योंकि आप अभी सेकंड सेमेस्टर में हो, जब सेकंड में इतना टफ है तो सोचो थर्ड और फोर्थ में क्या होने वाला है मैथ का,
है ना। तो बिल्कुल अभी से आप चीज़ों को समझते हुए चलिए, मैं आपको सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी ऐसे ही पढ़ाते हुए मिलूंगा, क्योंकि आप हैं तब हम हैं, आप से ही हम बने हैं, तब आपको मैं जितना ज़्यादा हो सकता है चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए, अब आप इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, दो अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है, वह संख्या बताओ। अब भाई लगाने का प्रयास करें, लगाने का प्रयास करिए, सभी साथी लगाने का प्रयास करिए। बहुत शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड भैया। चलिए चलिए अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, समझते। देखिए हमको अंक तो पता नहीं है, हमको केवल ये बताया गया इकाई है, दहाई है, मैं मान लूंगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मन से समझना, ठीक है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मन से समझना। माना इकाई अंक कितना हो जाएगा, माना इकाई अंक मैं एक्स मान लेता हूँ, आप भी एक्स माने होंगे, है ना, और दहाई अंक मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया, दहाई अंक मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब जब एक्स दहाई इकाई माना, दस दहाई माना, तब यही संख्या क्या हो जाएगी, तब संख्या बता दीजिए क्या हो जाएगी। अभी मैंने बताया संख्या क्या होती है, तब संख्या दहाई का मतलब 10, तो दहाई में 10 हटा देंगे, 10y प्लस का x, ये मेरी संख्या बन जाएगी भाई। दहाई का मतलब 10, तो 10 दहाई में सटा लिया, तो 10y प्लस x ये मेरी क्या बन गई, संख्या बन गई। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार यानी पहली शर्त क्वेश्चन की क्या कह रही है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो समझिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा, कह रहा है दो अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना कम है, 5 कम है, तब ये समझिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 अधिक होगा ना। अगर दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 अधिक होगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कहा गया था दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, तो वाई बराबर एक्स माइनस 5 या एक्स बराबर वाई प्लस 5। समीकरण बना लीजिए, प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो एक्स माइनस में आ गया वाई बराबर का 5, समीकरण नंबर 1 बन गई, समीकरण नंबर 1 बन गई। अब देखिए, अब यहाँ तक मैंने प्रश्न सॉल्व कर लिया, मैंने बताया अब टुकड़ों में प्रश्न को कर लीजिए, बस ये टुकड़ों में प्रश्न पहला सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न कहा गया यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, जो संख्या थी अब उसमें अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, जहाँ वाई था वहाँ एक्स, जहाँ एक्स था वहाँ वाई, तो नई संख्या क्या बन जाएगी, नई संख्या क्या बन जाएगी, आप लोग बताइए भाई, अंकों के स्थान बदल दोगे तो नई संख्या क्या बन जाएगी, फटाफट बता दीजिए। अरे जहाँ पर y था वहाँ पर x कर दीजिए, जहाँ पर x था वहाँ y कर दीजिए, तब आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, दूसरी शर्त के अनुसार या दूसरी शर्तानुसार। देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा हूँ वैसा कह रहा हूँ बस, और ऐसे में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है, तो कह रहा है अंकों के स्थान बदल दिए जाए। क्वेश्चन देखिए, तो जहाँ y था वहाँ x, तब मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा y था तब x हो गया, और प्लस वाई था तब एक्स हो गया। कहा गया अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो जो नई संख्या है वो पहली संख्या के 2 गुने से, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपकी क्या थी, 10y प्लस का एक्स, तो 10y प्लस का क्या हो गया, एक्स। कहा गया यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो नई संख्या पहली संख्या के ऊपर क्वेश्चन देखिए 2 गुने से, दो है गुना, तो 2 गुने से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 अधिक ना कर कर मैं 7 क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, मैं 7 कम कर दूंगा। अब इस क्वेश्चन को समझिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, दूसरा समीकरण बनाइए। अगर 10y का गुणा 2 से करोगे तो 10 × 2 = 20y, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ड्रा कर रहा हूँ, हो जाएगा 20y, क्योंकि 10y का गुणा 2 से करेंगे 20y, और 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस का 2x बराबर। इस तरफ कितना बच गया, 10x प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, y प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में,
तब यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 10x माइनस प्लस का वाई माइनस का 7। 10x प्लस में माइनस में, वाई प्लस में माइनस में, तो 20x। अब यहाँ पर समझिए, अगर 10x प्लस में है, मैं एक स्टेप छोटा कर रहा हूँ, नहीं आएगा नहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना, समझ लेना मैं समझा रहा हूँ। अगर 10x प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो अगर मेरा यहाँ पर 20y है ना, हाँ यहाँ पर 10x माइनस में आ जाएगा, तो समझो यहाँ पर 2x से 10x घटा दोगे तो माइनस का कितने x बच जाएगा, 8x बच जाएगा। देखिए मैंने एक स्टेप लिखा नहीं है, अगर 2x इधर प्लस में या 10x आएगा माइनस में, तो प्लस माइनस 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 का कितना बच जाएगा, 8x बच जाएगा। y प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, 20y से 1y घट जाएगा, तो 19y बच जाएंगे। 19y माइनस का 8x बराबर माइनस का 7, समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। समीकरण एक था हमारा x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण दो आया है 19y माइनस का 8x बराबर 3। समीकरण एक और दो से कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, समीकरण एक और दो से, एक और दो से। समीकरण एक क्या था हमारा, यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर 5, मैं लिख लूँगा x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, दूसरा मैं यूँ कह लूँ माइनस का 8x और प्लस का मेरा कितना है 19y बराबर का कितना है मेरा माइनस का 7। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हैं भैया, ऊपर छोटे हैं, तब हम क्या करेंगे, चाहे 8 से गुणा कर दें तब 8x है कट जाएगा, चाहे 19y से गुणा कर दें तो y से y कट जाएगा। तब मैं क्या करूँ, समीकरण एक में 8 से गुणा करने पर 8 से कर देंगे, ठीक है ना। समीकरण एक में ठीक पहले प्रकार का क्वेश्चन है, 8 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाई सब में होती है, 8 का x से करेंगे तो 8x, 8 का y से करेंगे तब 8y, 8 का 5 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, 8 पंच कितना हो जाएगा 40। चीज़ों को समझते रहना, एक आधे स्टेप में छोड़ दे रहा हूँ, वो मैं आपको समझाया दे रहा हूँ, नहीं आप बाद में देखोगे वीडियो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पर मैंने सीधे 8x माइनस 8y बराबर 40 कैसे कर दिया है, तो यहाँ पर 8 से गुणा कराया तभी तो एक पद जाएगा, अब जब ऐसे जुड़ कर जा रहा है तो क्या जरूरत है घटाने की, 1 प्लस 1 माइनस इसको मैंने काट दिया, 8y से 19y चला जाएगा तब 11y बच जाएगा, 11y बराबर अगर 40 से 7 चला जाएगा तब 33 बच जाएगा भैया, y बराबर कितना बच जाएगा, 11 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तो 33 बटे हो गया, 11 काटेंगे तो 3 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब y बराबर जो 3 आया है, y बराबर जो 3 आया है, तो यहाँ पर y का मान आप इस समीकरण में या इस समीकरण में रख लीजिए, x का मान पता चल जाएगा। y का मान अगर आप इस समीकरण में रखोगे तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, एक में रखने पर, ठीक है ना, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। देखिए क्वेश्चन भाई लंबा है ना, बिल्कुल लंबा है क्वेश्चन, आपको हर एक पॉइंट पे बिल्कुल सटीक तरीके से समझकर चलना है। आप अगर एक y बराबर 3 समीकरण एक में रख दोगे तो समीकरण एक था क्या, 8x माइनस का 8y बराबर का 40, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8x माइनस 8 और y के बीच में गुणे का चिन्ह, 3 रखोगे तो 8 त्रिक 24, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ 8 गुणे 3 बराबर का 40, 8 त्रिक हो जाएगा 24, 24 माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में, तो 8x बराबर हो जाएगा 40 प्लस का 40 में 24 जोड़ोगे तो 40 20 60 4 64 और 8 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, x बराबर हो जाएगा 64 बटे का 8, 8 से काटेंगे 8 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x बराबर 8 है, y बराबर 3 है, तब हमको संख्या बताइए। अब भाई हमको संख्या बता दीजिए, अब हमको संख्या बता दीजिए कितना आ जाएगा, संख्या जहाँ y है वहाँ 3 रख दीजिए, जहाँ पर x है वहाँ 8 रख दीजिए, तो संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या आप लोग बताइए। जहाँ पर y है वहाँ पर 3 रखिए, जहाँ पर x है वहाँ पर 8 रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में संख्या पूछा गया है और संख्या मेरी आई क्या थी, 10y प्लस का x, कितना हो जाएगा, y के स्थान पर अगर 3 रख दोगे तो 10 गुणे का 3 प्लस का x बराबर 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 या 30, 30 8 38,
38 आ जाएगी मेरी संख्या, मेरी संख्या क्या आ जाएगी, 38 आ जाएगी मेरी संख्या। चीज़ों को समझना। कल ही मैंने आपसे बताया था कि इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वहां से लगाना शुरू करोगे और जहां तक लगाओगे तब आप समझ पाओगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। मैं पागल नहीं हूं कि आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप अभी आओगे, आपको वीडियो लगेगा कि सर तो हमें बोर कर रहे हैं ना। हमें भी नहीं लगता है कि आपको बोर करना, क्या हमको टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन आप तो आते हो, अपना काम भी कर लेते हो, चीज़ों को समझ भी लेते हो। लेकिन अगर मैं आपसे वीडियो को लाइक करने के लिए कह देता हूँ तब आप तो हमारे गुस्से में डिसलाइक ही कर देते हो, है ना। तो ये चीज़ें बहुत बुरी बातें हैं भाई। आपको यार नहीं देखना है तो मत देखिए, है ना, बिल्कुल। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दीजिए, क्योंकि कुछ मेरे साथी हैं जिनको पता है, जिनको पता है कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मेरी परिस्थिति क्या है, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं मध्यम श्रेणी से हूँ, मैं निम्न श्रेणी से हूँ, मैं उच्च श्रेणी में हूँ, ये सब लोग जानते हैं बहुत कायदे से, क्योंकि आप लोग एक जानकार व्यक्ति हो चुके हो। तब आप लोग अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो ना। अब कुछ लोगों के भविष्य तो ऑलरेडी बने हुए होंगे, किसी के पिताजी सरकारी बिजनेस कर रहे होंगे, किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स हो गए ना, तो उनके सेटल है, उनका काम सेट है। लेकिन जो मेरे साथी निम्न स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं तो उनको तो भैया उठने दीजिए, आप लोग समझने दीजिए। आपको आता है, आप मत देखिए चीज़ों को, बिल्कुल। एक बार क्वेश्चन को आप मन से देखिए, मैं से तो समझ में जरूर आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या करें जब इतने लंबे ही हैं क्वेश्चन, तो मैं इनको शॉर्ट तो कर नहीं सकता हूँ। इनको कोई शॉर्ट ट्रिक भी तो नहीं होती है कि मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बता दूँ। होती भी होती शॉर्ट ट्रिक तो क्या आप इसको लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ये आप चीज़ें नहीं समझ रहे हो। 3 क्वेश्चन हुए हैं, आधा घंटा क्रॉस हो चुका है, क्या मैं पागल हूँ यार? नहीं, तो आप समझते रहिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। बहुत शानदार। चलिए देखिए, मैंने क्या बताया आपसे, मैंने ये मेरा अब जो होगा ये मेरा हो सकता है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए भाई, वेरी गुड। देखिए आपको करना क्या है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि अगर मैं आज आपको 5 क्वेश्चन भी बताऊंगा तब अगर उसमें से आप 2 नहीं समझ पा रहे हो, 3 समझ गए हो तब भी दिक्कत नहीं है, 3 से ही आप क्वेश्चन का गर्दा काट सकते हो, 3 क्वेश्चन से ही आप क्वेश्चन का गर्दा काट सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होगा, अभी कुछ लोग वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे क्योंकि उनको हमारी बातें बुरी लग चुकी होंगी, तो बिल्कुल आप छोड़ के जा सकते हैं, आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। आप एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हो, आप स्वतंत्र हो क्योंकि आपको अधिकार प्राप्त है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, 2 अंकों की एक संख्या का, 2 अंकों की एक संख्या का, एक संख्या का, दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, इकाई के अंक का दूना है मतलब 2 गुना है ना, दूना है। चलिए पहला क्वेश्चन दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती है, तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाती है। संख्या बताओ। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, फिर सीधे कल मैं आपको वीडियो दूंगा एकदम इसके ऊपर ज़बरदस्त वीडियो। टोटल आज मैंने 4 क्वेश्चन किए, मैं इतनी देर में 20 क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, मैंने किए पड़े हैं तीसरे इसे परसों वाली वीडियो में। लेकिन ये आज मैंने बताया था भाई, क्वेश्चन 3 बार में आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। समझिए क्वेश्चन कहना, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है,
यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल भी आज अगर आप चीज़ें आप समझ गए तो कल आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा भाई मेरे आसानी मिलने वाली है। समझ रहे हो ना जी? बिल्कुल। अब लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग लगा तो रहे हो, प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन मैं बताता चलूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर आप कहोगे सर ये इतने टाइम में आपने केवल इतने ही क्वेश्चन बताए हैं ना, तो इतना काम मैं आपको खुद बता रहा हूँ। देखिए, दो अंकों की एक संख्या है, इकाई है, दहाई है, हमको पता नहीं, मैं मानूंगा। माना इकाई अंक कितना हो जाएगा? माना इकाई अंक हो जाएगा x। भाई आप लोग जानते हो, तीन क्वेश्चनों में सॉल्व कर चुके हो। और दहाई अंक कितना हो जाएगा? y। दहाई अंक कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। अब जब इकाई और दहाई मान चुके हो तो संख्या बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो संख्या बता दीजिए कितना हो जाएगा। भैया दहाई का मतलब 10, तो दहाई में 10 हटाएंगे तो 10y प्लस का x, ये हमारी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। अब प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त लगा दीजिए। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्वेश्चन की क्या कह रही है? तो पहली शर्त क्वेश्चन की कह रही है कि इकाई का अंक दहाई का अंक का दो गुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दो गुना है, तो यानी कि 2x बराबर क्या है? y है। इकाई का अंक दो गुना है किसके? दहाई के अंक से। पहली शर्त यही तो कह रही है। समीकरण बना लीजिए, तो 2x ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में माइनस का y। अब जब y इधर आ गया तो क्या बचा? जीरो बचा। ये हो गया समीकरण नंबर एक। क्या हो गया? समीकरण नंबर एक। अब समझ कर चलना है, ठीक है ना? अब कहा गया यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, संख्या थी 10y प्लस x, अब कह रहा अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यानी दूसरी शर्तानुसार। अब आप यहां पर लिखोगे दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार कहा गया यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। भाई 10y प्लस x था, तब 10x प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो संख्या पहली संख्या से 36 कम है, यानी कि जो नई संख्या है वो 36 ज़्यादा है, कम है, तो ये मैंने कह दिया ज़्यादा, क्योंकि जो कम है ना, यानी पुरानी संख्या नई संख्या से 36 कम है, कहने का मतलब 36 ज़्यादा है। तब ये भैया मेरा क्या बन जाएगा? पुरानी संख्या क्या थी? 10y प्लस का x, 10y प्लस का x। लेकिन क्या कह रहा? नई संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो ये आप लोग देख सकते हो। शानदार, वेरी गुड। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 10y इधर 10x आएगा, माइनस में y आएगा, माइनस में। अब सोचो यहाँ पर 10y था, प्लस का x इस तरफ था, 10y प्लस में इधर आ गया, माइनस का हो गया 10x, ये y प्लस में इधर आ गया, माइनस में हो गया y, बराबर कितना बच गया? 36 बच गया। घटा लीजिए, यहाँ पर x से 10, x से 1x चला जाएगा तो माइनस का 9x बच जाएगा, 10y से 1y चला जाएगा तो 9y बच जाएगा, 9y माइनस का 9x बराबर 36, समीकरण दूसरा बन गया। समीकरण क्या बन गया? दूसरा बन गया। अब समझिए, अब समीकरण एक और समीकरण दो से चलिए, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन को बहुत आसानी, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन भाई पिछले साल पूछे गए हैं। समीकरण एक से समीकरण दो की तुलना करने पर, की तुलना करने पर एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। समीकरण मेरा एक क्या था? समीकरण एक था 2x माइनस का y बराबर जीरो, 2x माइनस का y बराबर जीरो। और दूसरा समीकरण क्या? 9y माइनस 9x बराबर 36, इसको हम कह सकते हैं माइनस का 9x और प्लस का 9y बराबर का 36, ये तो कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 9x है ना, तब हमको पता एक पद गायब करना। अगर इस y को मैं 9y बना दूं तब मेरा काम क्लियर हो जाएगा, है ना? तब मैं समीकरण एक में 9 से गुणा करने पर, मैं इसके सामने लिख दे रहा हूँ, 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर, ये चीज़ समझते रहना। अगर 9 से गुणा करोगे तभी तो भैया ये 9y बन जाएगा, तो 9y 9y कैंसिल हो जाएंगे।
अगर 9 से गुणा करोगे तो 9 दुनी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, समीकरण एक था क्या आपका 2x, और 2x में अगर 9 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, 9 दुनी 18x हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ y था तो कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, और 9 0 0 ही रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर घटा लीजिए भाई, यहाँ पर प्लस माइनस ये कट गया, 18y से 9y चला जाएगा, 9x चला जाएगा, तो 9x बराबर कितना आ गया 36 आ गया। अब x की वैल्यू याद करनी, 9 गुणे में तो बटे में चला जाएगा, x बराबर 36 बटे 9, 9 एक कम 9, 9 चौके 36, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई सर 4 आ गई। अब इस x का मान चाहे इस समीकरण में रख लीजिए, चाहे इस समीकरण में लिख लीजिए, y का मान प्राप्त चल जाएगा। अब x का मान मैं इस समीकरण में अगर रख लूँ 2 में, अगर मैं इसका यहाँ पर लिख भी सकता हूँ का मान, का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 क्या था समीकरण मेरा, माइनस का 9x प्लस का 9y बराबर का 36, तो माइनस का 9 गुणे x के स्थान पर 4, 4 हो गया, प्लस का 9 और ये हो गया y बराबर का 36, 9 चौके 36, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ बच गया आपका 9y बराबर, अब इधर 36 था और ये माइनस, 9 चौके 36 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो हो गया 36 36 36 अब इधर बता रहे हैं, ठीक है ना। अगला स्टेप आपका यहाँ पर है, 36 36 हो गए 72, तो यहाँ पर 9y बराबर हो गया आपका 72, और y की वैल्यू प्राप्त करनी है 9 गुणे में बटे में चला जाएगा, y बराबर हो जाएगा 72 बटे का 9, 9 एक कम 9, 9 अठी 72, y बराबर हो जाएगा 9, y बराबर हो जाएगा 9, x बराबर आ गया है तुम्हारा 4, y बराबर 9, तो संख्या क्या बता सकते हो, x बराबर 4 y बराबर 9, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी भैया, संख्या हो जाएगी 10 गुणे y कितना आया है 9, तो y के स्थान पर 9 प्लस x कितना आया है 4, x के स्थान पर 4, 10 9y 90, 4 94, संख्या कितनी आ गई 94 आ गई, 94 इट विल बी मेरा आंसर, 94 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है ना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, चीज़ें समझ में आ ही गया होगा, है ना, बिल्कुल शानदार तरीके से समझाया। देखिए अभी आपके ऐसे क्वेश्चन दो बचे हैं, दो मैं आज यही आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा, 4 हुए हैं, 2 और कराऊंगा, और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2014 में पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से लीजिए, मैं साइड भी हो जा रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है ना। सभी साथियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार। अब देखिए, अब मेरा होगा वो 5 नंबर क्वेश्चन होगा, कैसा ना क्वेश्चन होगा, 5 नंबर क्वेश्चन होगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए देखिए ये चीज़ें भाई आपको, हमको पता है, हमको पता, बहुत से साथियों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन मेरे दोस्त आप एक बार मेरा कहना मान लीजिए, आप एक बार मेरा कहना मान लीजिए, सब कुछ आप करके आप पूरा कंसंट्रेट मेरी लैंग्वेज और मेरे राइटिंग पर दीजिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ और मैं कह क्या रहा हूँ। अगर दोनों चीज़ों पे आज मैं फोकस किया तो गारंटी दे रहे हैं भाई, इसको समझ में ज़रूर आ जाएगा। और एक बार अगर आप क्वेश्चन समझ गए तब आपको पता है कि मैं तो ऐसे क्वेश्चन लगा ही लूँगा, मैं तो ऐसे क्वेश्चन लगा ही लूँगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कहा गया पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, पिता की उम्र, पिता की उम्र उसकी पुत्र की उम्र की, उसकी पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, कितनी है 4 गुनी है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं, 4 गुनी 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद। अब ये क्वेश्चन अगर नहीं लगा पाओगे तब बेकार है, एज वाली वीडियो देखे, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, पिता की उम्र उसके
पुत्र की उम्र पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के ढाई गुने से छह अधिक है। पुत्र की उम्र के ढाई गुने से छह वर्ष अधिक है। छह वर्ष अधिक है। दोनों की वर्तमान उम्र बताओ। अब इसका प्रयास कीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए। दोनों की वर्तमान उम्र बताओ। बहुत अच्छे। और ये क्वेश्चन जो आपका मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। चलिए लगाने का प्रयास कीजिए, शानदार तरीके से भाई लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप यहाँ पर पिता की उम्र x मान लीजिए और पुत्र की उम्र y मान लीजिए, फिर क्वेश्चन को टुकड़ों में बांट लीजिए और इसको लगाते हुए चले जाइए। आपको 110% समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तब आपको लगा जरूर देना है इस क्वेश्चन को, आपको लगा जरूर देना है इस क्वेश्चन को। चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए भाई देखते हैं, है ना। चलिए बहुत शानदार, चलिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को समझिए भाई। पिता की उम्र और पुत्र की उम्र पता तो है नहीं, पिता की उम्र और पुत्र की उम्र पता तो है नहीं, तो मैंने माना पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी x। मान लीजिए, माना पुत्र की उम्र मैंने मान लिया x और पिता की उम्र मैंने मान लिया y। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो पुत्र की उम्र की चार गुनी हो जाएगी किसकी उम्र, पिता की उम्र। पिता की उम्र वाई है, पिता की उम्र वाई है, ये पुत्र की उम्र की कितनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब आप यहाँ पर समीकरण बना लीजिए, या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, वाई बराबर 4x, समीकरण एक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। मैंने बताया 6 वर्ष बाद, अब बाद का मतलब जोड़ेंगे, क्योंकि 6 वर्ष बाद अगर आप 6 साल बड़े हो रहे हो तो आपके पिता भी तो 6 साल बड़े होंगे। दोनों में एक्स यानी उनके पुत्र में 6 साल जोड़ दिए और उनके पिता में 6 साल जोड़ दिए। कहा गया पिता की उम्र के ढाई गुने से 6 अधिक हो जाएगी। पिता की उम्र के ढाई गुने से कितना अधिक हो जाएगी सर, 6 अधिक हो जाएगी। किसकी उम्र अधिक हो जाएगी, तो इनके ढाई गुने से, ढाई गुने का मतलब 5/2, 5/2 कितना अधिक हो जाएगी, 6 अधिक हो जाएगी। कितना अधिक हो जाएगी, 6 अधिक हो जाएगी। यही तो कहा गया प्लस का सिक्स। नहीं समझे क्वेश्चन, ये मैंने कैसे बना दिया, कहा गया 6 वर्ष बाद, बाद का मतलब मैंने बताया था दोनों में जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो पहले का मतलब तो मैंने दोनों में जोड़ दिया, कहा 5/2, इसका मतलब 2.5 तो हुआ, दोनों 5/2 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। सॉल्व कर लीजिए, अब ये 2 मेरा बटे में इधर जाएगा, गुणा होते हुए चला जाएगा, 6 में गुणा करेंगे तब 12 हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ भी गुणा करेगा, 6 × 12 और 2 का वाई से करेंगे तो 2y और प्लस 2 × 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 2 × 6 = 12 हो गया। मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ इसको, 5/2, देखिए अब 5 बचा, 5 का x से करेंगे तो 5x प्लस 5 का y से करेंगे तो 5 का 6 से करेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30। अब क्या करना है, अब ये प्लस में है उधर ले, ये जोड़ लो 30 और 12 कितना हो गया, 30 × 12 = 30, 10 = 40 तो 42, यानी 5x प्लस का 42 बराबर का 2y प्लस का 12। यही तो, ये 42 प्लस में माइनस में जाएगा, 2y प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा,
तो 5x माइनस 2y बराबर 12 माइनस का 42, घटा लीजिए 5x माइनस का 2y बराबर 12 से 42 चला जाएगा तो माइनस का 30। ये समीकरण नंबर 2 बन गया, ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। अच्छा, अब यहाँ से आप सीधे मान प्राप्त कर सकते हो, यहाँ से आप सीधे मान प्राप्त कर सकते हो। आप इस समीकरण में x का मान, समीकरण 1 का मान रख दीजिए, दूसरे का पता चल जाएगा। इस समीकरण में रख दीजिए, तब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। आप यहाँ लिख भी सकते हो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या था हमारा 5x माइनस का 2y, मैं एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ, 5x माइनस का 2y बराबर का कितना हो जाएगा, माइनस का 30। जहाँ पर y बराबर कितना रखोगे, 4x, तो जहाँ y है वहाँ पर 4x रख दीजिए। तो 5x माइनस का 2 गुणे 4x बराबर का माइनस का 30, 4 × 8x, तो 5x माइनस का 8x बराबर का माइनस का 30, 5x से 8x जाएंगे तो माइनस का 3x बराबर का माइनस का 30। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, x बराबर 10 आ गया। अब x का मान इसमें रख दीजिए, y का मान पता चल जाएगा, का मान लिख सकते हो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा, y बराबर 4x, y बराबर कितना 4x, तो y बराबर हो जाएगा 4 गुणे x का मान 10, तो 10 रख दिया, y बराबर कितना आ गया, 10 × 40। x बराबर क्या था हमारा, पुत्र की उम्र कितनी आ गई, 10 वर्ष, और पिता की उम्र कितनी आ गई, 40 वर्ष, यही आंसर, नोट कर लीजिए, 10 वर्ष 40 वर्ष हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 10 वर्ष और 40 वर्ष हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए शानदार तरीके से, चलिए नोट कर लीजिए भाई शानदार तरीके से। बस अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, उसको लगा के आपको बताना है, उसको लगा के आप उसका आंसर कमेंट में बताओगे, उसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तब आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, देखिए मैं आज आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सर आज की वीडियो हमको समझ में नहीं आई है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ मेरे दोस्त, मैं दावत ठोंक के कह सकता हूँ, मैंने चीज़ों को इतनी आसानी से बताया है, हो सकता है अभी आपको इस टाइम समझ में ना आया हो, क्योंकि नीचे चैट चल रही थी, तब आपका 20% ध्यान चैट पर था, आपने 100% से चीज़ों को नहीं समझा, लेकिन कल एक बार फिर से आप इन चीज़ों को देख लेना, और याद रखना एक सवाल आएगा, एक सवाल ऐसा आएगा पेपर में, ठीक है, एक सवाल ऐसा, जितने छोड़ दिया, जिसने छोड़ दिया वो मूर्ख बन जाएगा। आसान है चीज़ों को टुकड़ों में बांट लीजिए, क्वेश्चन को इक्वेशन बना दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बोलिए स्क्रीनशॉट कमेंट में बताइए, यस सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर अगला क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, उसका आंसर कमेंट में बता देना, फिर कल से नया टॉपिक व्यंजकों का जोड़ घटाओ गुणा भाग के बाद क्या था हमारा, हाँ सर्वसमिकाएं, सर्वसमिकाएं हमको पढ़ना है कल से, चलिए फिर नोट कर लिया ना। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देख लीजिए क्वेश्चन आ चुका होगा, इस क्वेश्चन को लगा के इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत शानदार तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन लगेगा, इक्वेशन बना लेना बस, ठीक है ना। इक्वेशन बना लेना, समझ में आपको ज़रूर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और जो नए मेरे व्यूअर आए हैं, वो नए व्यूअर जो मेरे आए हैं, वो अगर DL.ED किसी भी सेमेस्टर में है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ओके। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम, चलिए।